नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को राइज न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दौरान देश भर में ध्वजारोहण किए गए, जगह जगह गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। हालांकि कोरोना महामारी के चलते ज्यादातर जगह पर यह समारोह साधारण रूप में ही मनाया गया, लेकिन इस दौरान देशवासियों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। देखिए देश के विभिन्न भागों से गणतंत्र दिवस समारोह। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के गणमान्य व्यक्तियों ने राइज न्यूज के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं भेजी हैं। पड़िया विधानसभा की जनता, झारखंड की जनता को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गणतंत्र दिवस की देवडाण मंडल सहित पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं और मेरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश को विश्व में एक ऐसे जगह पर ला करके खड़ा किया है। वर्षों से इस जगह को पाने के लिए लोग ललायित थे और अपने देश के शीर्ष नेता होने के कारण वह अपनी संस्कृति को पहचान बनाते हुए 26 जनवरी के परेड में अब की बार जो 500 वर्षों से अपनी भारत की संस्कृति करहा रही थी, बन रही थी, उसको उन्होंने मुक्त किया। उसकी भी झांकी दिल्ली के लाल किला की ओर जाते हुए नजर आएगा। मैं बुद्धिनाथ किस्कु धेनुकट्टा पंचायत के मुखिया जी, हम अपने पंचायत के पंचायत वासियों को हमारी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 26 तारीख राष्ट्र ये मिला है, पूरा राष्ट्र की अनुसार ही झंडा तुलन करेंगे। अपना जनता, अपना वार्ड सदस्य, अपना ग्राम सभा या त्रजार सभा के साथ, पूरा पंचायत वासियों के साथ यहाँ अपना पंचायत में ही झंडा फहराएं करेंगे। तमाम देशवासियों एवं पंचायत वासियों को 72वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।